मैम कैसा लग लगा खजुराहो आप यहाँ पर आए? यहाँ पे लोग बहुत सुकून, हाँ लोग बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी यहाँ की तो अव्वल नंबर पे है। तो मतलब पूरे इंडिया में घूमी हूँ लेकिन जो भोपाल की हॉस्पिटैलिटी है ये एक्चुअली अभी तक वो नवाबों वाला चल रहा है, अपने गेस्ट को कैसे ध्यान रखना, हर चीज़ का कैसे यू नो लुक आफ्टर करना, बहुत अच्छा लगा। पर मतलब शुरू से लेकर अभी तक मेरे कैरियर के 90 में, हाँ जब मैं 90 में आई थी, अभी तो खैर शादी के बाद पूरे 20-22 साल का लंबा गैप हो गया, गैप आ गया। मेरी फर्स्ट फिल्म भी जानते रहे नाम जो रौनित के साथ थी, विच वॉज अ सुपर हिट। फिर हमने साथ में सैनिक की, तहकीकात की, नजर के सामने अक्षय के साथ, सैनिक साथ अक्षय के साथ थी, हाँ मैं उनकी सिस्टर का रोल प्ले किया। अच्छा अच्छा, काफी हिट मूवी रही वो तो। या सैनिक, एंड देन आई डिड नजर के सामने जिसमें मैं उनके ऑपोजिट थी, दिल की बाजी की, तहकीकात की, देन तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में काफी मूवीज की। फिर उसके बाद शादी हो गई तो प्रभाकर जी का जो बेस है वो बेसिकली दिल्ली है, अगर बॉम्बे होता तो मैं कंटिन्यू रखती। पूरा ये जो 20-22 साल बच्चों की परवरिश में और घर गृहस्थी में ही निकल गए। इतने सालों के बाद स्टेज को फेस करना, कैमरा को फेस करना, फिर वापस से गृहस्थी से निकलकर वही लाइमलाइट को महसूस करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने वो चीज़ को महसूस करी है। मैंने अभी 2 फिल्में की हैं तेलुगु में सितंबर में, ये कोविड के वक्त, क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी हिट फिल्म्स दिए कमल हासन जी के साथ, मामूटी के साथ, देन आई वर्क विद श्रीकांत, रविचंद्रन, काफ़ी मूवीज थी वहाँ पे। लेकिन इस तरीके का जब हम हिंदुस्तान में ये माहौल होता है तो ये मेरा पहली बार है आफ्टर 22 साल, तो वो जो चकाचौंध, वो लाइट्स और वो स्टेज, वो देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कल कि क्या मैं वापस वो चीज़ को यू नो महसूस कर रही थी कि इट्स गोइंग टू बी सो लवली। और वो जो बीच के 22-24 साल निकल गए वो ऐसे लग रहा था ये कल की बात थी। सो आई थिंक अब बच्चों का वक्त है, मेरे बेटे हैं 2 22 और 1-17 साल के, अब उनका वक्त है। हाँ तो अब जो माँ का रोल होता है या कुछ अच्छे कैरेक्टर रोल्स होते हैं जो हमारी एज को शोभा देते हैं, हम उस तरीके का काम करेंगे। बट कैमरा एक ऐसे हमारी ज़िंदगी में, ये लेंस हो या कैमरा हो, ये ऐसा है कि हमारे को चेंज कर देता है। हम उस कैरेक्टर में घुल के अपने आप को, आर्टिस्ट यंग या ओल्ड नहीं होता, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। सो वो माँ का, जब मैं हीरोइन थी तभी भी मैं कैमरा के सामने वही चीज़ें करती थी, आज भी मैं वही चीज़ें करूँगी। फ़र्क सिर्फ इतना हो गया है कि उस वक्त हमारी उम्र के हिसाब से रोल मिलते थे, आज इस उम्र के हिसाब से जो अच्छे कैरेक्टर रोल्स होंगे तो मैं उसे लूँगी और पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगी और अच्छा काम करने की कोशिश। अब ये फ़र्क आ गया है कि एक आर्टिस्ट को एक ही टाइम पे एक काम दिया जाता है, तो उसकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन उसी रोल में होती है, उसी काम में होती है। ये नहीं है कि आज मैंने दोपहर में ये रोल किया तो अब शाम को जाके मेरा कैरेक्टर कुछ और है। तो हम लोगों को उस टाइम पर ये सारा बहुत था, हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी कि दो मूवीज़ एक साथ शूट कर रहे हैं, एक कैरेक्टर कुछ और प्ले कर रहे हैं। अभी एक आर्टिस्ट को बहुत पैम्पर्ड किया जाता है। हमारे ज़माने में ड्रेस डिज़ाइनर होते थे लेकिन ये नहीं होता था कि उनके लिए एक वैनिटी वैन हो, अलग चीज़ें हो। अभी स्क्रिप्ट पहले दी जाती है, 1-2 महीने पहले दी जाती है कि आप अपनी तैयारी करो, तो दैट भी बहुत ज़्यादा, और ये फ़र्क बहुत अच्छे के लिए आया है। सो अभी जो जनरेशन इसको इंजॉय कर रही है, हमने नहीं किया, हमें उसी वक्त डायलॉग लिख के दिया जाता था और हम अपने डायलॉग उसी वक्त बोलते थे और अपना परफॉर्मेंस करते थे। अभी तो इन हैंड प्रोफेशनलिज्म इतना अच्छा आ गया है, इट्स वेरी नाइस। राहुल रॉय जी के साथ में कपल, हम पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं। ओटीटी हो गई है तो? हाँ जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है। हाँ सो हम दोनों हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे हैं, मैं और राहुल रॉय साहब, लेकिन इत्तेफाक से अभी वो हॉस्पिटल में हैं तो हम वेट कर रहे हैं उनके ठीक होने का, एंड ही विल रिकवर सून, हमारी दुआएं हैं उनके साथ। सो जैसे ही वो ठीक होके आते, जनवरी-फरवरी में हम शूट करने वाले हैं दामिनी इस वेब सीरीज का, और उस वक्त जो मैं उनको जानती हूँ, बहुत ही डिसिप्लिन इंसान, शूट पर टाइम पर आना, उनका टिफ़िन हम खोल के देखते थे तो उसमें 4 सब्जी बॉइल्ड होती थी, वक्त पे सोना। आई थिंक अगर हर न्यू कॉमर या हम अपने बच्चों को भी उनका मिसाल देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत डिसिप्लिन है, तो मुझे मेरे बच्चों को बोलना पड़ता है कि पापा क्रिकेटर हैं लेकिन उनकी शख्सियत ही बहुत डिसिप्लिन है। वो अभी भी वो बहुत डिसिप्लिन तरीके से उठना,
5 बजे। तो अकीका मैं अगर देखूँ तो मेरे घर में ही एक रोल मॉडल है, सो डिसिप्लिन। तो अकी जैसा पोस्टर तो मैंने काम नहीं किया अभी तक। बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही बेहतरीन पोस्टर। जो दूसरे बच्चे हैं, जो हम आपके बच्चे हैं और जो आम जनता के बच्चे, वो डरेंगे, उनमें टैलेंट होगा भी तो वो आगे नहीं आएंगे। सोच के अरे नेपोटिज्म होता है, मुझे कौन लॉन्च करेगा, दिमाग में ये भर गया बच्चों के, वो निकालना है कि नहीं आगे जाओ, इंडस्ट्री इज़ वेलकम फॉर एवरीबॉडी। नहीं तो दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन ये नहीं बनते। नेपोटिज्म होती तो राजा महाराजा के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे ही करते। आम जनता हम आप इस पोजीशन में नहीं होते जहाँ आज हम हैं। सो आर्ट मतलब 500 साल पहले या पता नहीं कितना पुराना है, लेकिन ये जो आर्ट है अब नहीं हो सकता। दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड। ये जो खाजुराहो के टेंपल्स हैं, जो दूर दूर देशों से लोग आते हैं देखने के लिए, इसलिए नहीं आते क्योंकि ये एक सेक्स सिंबल पोजेस हैं। ये तो बुक्स में भी हम देख सकते हैं, पर इसकी जो आर्ट है, कैसे बनाया होगा, एक एक चीज़ पे कैसे काम किया होगा, दिस इज़ अनबिलीवेबल। मतलब बहुत ही लाजवाब, ब्यूटीफुल। हमारी फैमिली में, हम बहुत कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से हैं, तो हम लोगों को प्रोग्राम्स देखना, टीवी देखना इतना बचपन में अलाउड नहीं था। और क्रिकेट कोई घर में सारी फीमेल्स ही थी, तो क्रिकेट के बारे में कभी कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, हम जानते ही नहीं थे क्रिकेट क्या होता है। बट जब मैं इनको पहली बार मिली तो मेरे लिए तो ये था कि सो हैंडसम, ये कौन है, मुझे नहीं पता था ये कौन। बट जब मेरे को किसी ने वहाँ बताया हेल्थ क्लब में कि मिस्टर प्रभाकर हैं क्रिकेटर, तो फिटनेस क्लब में मुलाकात हुई, हाँ हेल्थ क्लब में, तो इत्तेफाक से मेरे मुँह से ऐसे निकल गया था कि कौन प्रभाकर। तो मनोज जी ने बस ऐसे मुझे एक लुक दिया कि कौन है जो ऐसे पूछ रही है, वो लुक देना और मेरा यू नो घबरा जाना, उसके बाद मेरा सॉरी बोलना कि आई एम सो सॉरी वो, एंड देन वो दोस्ती हो गई, फिर दोस्ती प्यार में हो गया। तो नेपोटिज्म अगर होता तो ये जितने भी कलाकार हैं ये कैसे बन जाते अमिताभ बच्चन और दिलीप को, बिल्कुल इनके तो बाप दादा कभी स्टार्स नहीं थे ना। तो आई डोंट एग्री विद द नेपोटिज्म वर्ड। मेहनत का कोई तोड़ मरोड़ है ही नहीं, मेहनत करोगे आप आगे बढ़ोगे। और इस इंडस्ट्री को डिसिप्लिन, मेहनत, सुशांत सिंह राजपूत करके आए हैं। अगर नेपोटिज्म होता तो इतना आगे नहीं बढ़ते। जो जिंदगी सुशांत सिंह राजपूत जी ने देखी, वो बहुत मेहनत किया उस करके। MS धोनी जैसी मूवी को करना कोई जोक नहीं है, उनको ये फिल्म मिली है तो नेपोटिज्म की वजह से नहीं मिली, किसी ने उनको ऑफर नहीं दिया था, ये मूवी उनके काबिलियत को देखकर मिली। हम लोग फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं, फिर भी हम कुछ बने। तो नेपोटिज्म के शब्द मुझे तो नहीं लगता। अब अगर आप मुझे एक चीज़ बताएं, मेरे हस्बैंड क्रिकेटर, अगर मेरे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिकेट में होता तो वो सपोर्ट करते ना। अब हम इसको नेपोटिज्म कैसे कह सकते। अगर बाप अपने बेटे को नहीं सपोर्ट करेगा तो बाहर वाला तो नहीं आके करेगा। अगर मेरी डॉटर होती तो मैं उसको शिक्षा देती कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, तो हम उसको नेपोटिज्म नहीं कह सकते। सो आई डोंट एग्री विद नेपोटिज्म। ये नया शब्द कंगना ने निकाल के सारी पब्लिसिटी को पूरा अपने तरफ कर लिया। नेपोटिज्म ये तो शब्द हम लोग को इंग्लिश का भी नहीं मालूम है। नेपोटिज्म होता क्या है, मेरे को पहली बार जब नेपोटिज्म होता क्या है, नेपोटिज्म मतलब ये वर्ड का मतलब क्या है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग इतनी अंग्रेजी तो आती है कि समझे, लेकिन हमें नहीं इसका मतलब पता था। तो आजकल तो एक मुद्दा लोग बना लेते हैं पब्लिसिटी पाने के लिए और उसके बाद उसी को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने लेके आते, जिस जनता को नेपोटिज्म का मतलब ही नहीं पता कि ये बहुत फ्रैंकली बात करती है। लेकिन मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है वो, ना मैं उसकी अम्मा लगती हूँ, ना वो मेरी कोई रिश्तेदार लगती है कि मैं उसकी सपोर्ट में बात करूँ। मैं इंडस्ट्री के सपोर्ट में इसलिए बात करती हूँ, इस इंडस्ट्री ने जो नाम मुझे दिया, फरहीन जान तेरे नाम से आज भी जानी जाती है। आज भी लोग उस गाने को, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, जानते हैं, पहचानते हैं। मेरी पहचान मुझसे है, मेरी मेहनत से है। कॉन्ट्रोवर्सी करना या किसी के ऊपर कीचड़ उछाल कर, आजकल मीडिया इतना हाइप हो गया है कि आप थोड़ा सा भी बोलते हो तो इतना, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। उनके पास काम नहीं है और थोड़ा बहुत भी होगा तो वो भी ऐसे हरकतों से चला जाएगा। इंडस्ट्री इज़ वेलकम फॉर एवरीबॉडी, बट ऐसे हरकतें करना मुझे तो लगता है वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब करती है, क्योंकि अब कुछ तो चाहिए ना मुद्दा।
तो मेरे ख्याल से उनको बिग बॉस में जाना चाहिए।